आप सभी के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है अमेजन, ब्रह्मपुत्र, नील या डेन्यूब। सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, नील। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 6,670 किलोमीटर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सही आंसर होगा अमेजन, ठीक है, लंबी पूछा जाए तो नील। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र या शनि। सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, शुक्र। अगला सवाल है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य क्षेत्र और शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किस में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है एनाटॉमी, जीमोलॉजी, इकोलॉजी या जेनेटिक्स। दोस्तों प्राणियों के संरचना के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, सही आंसर होगा आपका एनाटॉमी। अगला सवाल है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? ऑप्शन है 3, 4, 2 या 5। दोस्तों पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वो 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगला सवाल है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखा है? ऑप्शन है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, बंकिम चंद्र चटर्जी या विलियम शेक्सपियर। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? ऑप्शन है 2.42%, 2.72%, 3.24% या 4.24%। दोस्तों विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का जो भाग है वो है 2.42%। अगला सवाल है दोस्तों, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, औरंगाबाद या दिल्ली। सही आंसर होगा दोस्तों औरंगाबाद। दोस्तों औरंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र का एक जिला है, ठीक है। अगला सवाल है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप और पहला है एशिया। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मीथेन, एसिटिलीन, इथेन या ऑक्सीजन। दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है कोटा, नरोरा, ट्रॉम्बे या कल्पक्कम। दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो स्थापित किया गया था, सही आंसर होगा ट्रॉम्बे। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम या द हेग। सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, द हेग। ये दोस्तों नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या एशिया। दोस्तों सवाना घास का मैदान जो है वो अफ्रीका में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है भांखड़ा, नागार्जुन सागर, हीराकुंड या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अगला सवाल है दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1761, 1757, 1764 या 1756। सही आंसर होगा दोस्तों आपका पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।